नाम सारिका चौधरी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट थी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की पिछले साल। एएमयू में आई है, किस तरह का सपोर्ट किया? देखिए, एएमयू में जिस तरीके से पुलिस का ये हुआ, उसके बाद जेएनयू में भी हुआ, जामिया में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो हम बस इसी संदेश के साथ आए थे कि जेएनयू के छात्र, जामिया के छात्र अलग अलग नहीं हैं, हम लोग सब साथ हैं। इस जो फाइट हो रहा है, खासकर बीजेपी सरकार द्वारा स्टूडेंट्स के ऊपर, एनआरसी सीएए लाके इस देश के गरीब जनता पे, उनके खिलाफ सारे स्टूडेंट एक साथ है, इसी का संदेश लेते हुए हम यहाँ पर आए थे कि जेएनयू और जामिया एएमयू एक साथ खड़ा है। जेएनयू में किस तरह के हालात हैं अभी? देखिए, जेएनयू में चीज़ें अभी भी चल रही है, फीहाइक के खिलाफ प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, और एनआरसी सीएए के खिलाफ भी लगातार रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जामिया में भी स्थिति ख़राब है। तो हम जामिया भी गए थे और यहाँ भी आए हैं ताकि हम लोग एक साथ स्टूडेंट्स को एक यूनिटी के तहत लाया जाए, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और ख़ासकर इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो ज़रूरत है आज अपोजिशन को बोलने का, वो अपना काम करे ना करे, हम छात्र जो अब मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, खासकर सिटीजनशिप को लेके, जो कि बुनियादी एक इशू है सारे देश की जनता के लिए, उस मुद्दे पे सारे ही छात्र एक साथ बोले, अपनी आवाज़ बुलंद करें, इसी चीज़ के लिए हम लोग हर जगह पे, हर यूनिवर्सिटी में जहाँ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि आईआईटी आईआईएम्स में भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इसके खिलाफ। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, खासकर इस गवर्नमेंट को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरीके से अपना पॉलिसी स्टूडेंट्स पे, इस देश की जनता पे थोपेंगे तो लोग मानने वाले नहीं हैं। आपको कंसल्ट करके, डेमोक्रेसी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि आप जनता क्या बोल रहा है आप इसको समझें और सुने। इसके बिना आप ऐसे नहीं चल सकते हैं। यहाँ भी यूनिवर्सिटी में मैंने सुना कि 5 स्टूडेंट पे गुंडा एक्ट के तहत चार्जशीट लगाया गया है, बहुत सारा FIR किया गया है। इस तरीके से उनको लगता है कि वो रूल कर लेंगे, तो उनको बहुत ही गलत लगता है। ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी का डिक्टेटरशिप से नहीं चल सकता है। अच्छा, तो धरना चल रहा है छात्रों का, उसको लेकर जो है इंतजामिया द्वारा ये कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा 100 मीटर की दूरी तय कर दी गई है, उसके अंदर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। देखिए, एक तो यहाँ पे जब मैं बोलने आई तो ये 100 मीटर के अंदर है नहीं, पहली बात तो वो, और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके का कानून लाना भी गलत है कि आप कहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, ये अपने आप में ही एक गलत तरीका है। और ख़ासकर हर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार कोर्ट में ये गुहार लगाई गई है कि आप इतना मीटर हमें दे दीजिए, इतना मीटर हमें दे दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन का तो पूरा यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और वो हर जगह पे स्टूडेंट्स आके बात कर सके, ये तरीका होना चाहिए। तो ये क्या तरीका हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कोर्ट में जाके बोल रहा है कि आप 100 मीटर तक बोल दीजिए, स्टूडेंट ना आ पाए। स्टूडेंट वाइस चांसलर के बंगलों में भी जाके अपनी बात रख सके, ये इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए। और वाइस चांसलर भी यूनिवर्सिटी में ऐसा होना चाहिए कि जो छात्रों से बात कर सके लॉजिकली। आज यही हो रहा है कि हर जगह बीजेपी सरकार द्वारा, RSS के द्वारा अपने पिट्ठू लोगों को हर जगह बिठाया जा रहा है, जो छात्रों से बात करने के काबिल ही नहीं है। तो वो छात्रों के लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो लॉजिकल होते तो आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ होता। खासकर अगर आप देखिए, जेएनयू में जिस बात की लड़ाई शुरू हुई, वो अफोर्डेबल एजुकेशन, सस्ती शिक्षा, सबकी शिक्षा की लड़ाई शुरू हुई, अगर सही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता तो वो भी समझता कि क्यों ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में गरीब तबके से लोगों का आना ज़रूरी है, और वो हमारे साथ खड़ा होता। लेकिन यही है कि वो सरकार खासकर अपने ही पिट्ठू लोगों को बिठा रही है, इसीलिए ये सारी समस्या यूनिवर्सिटी में आ रही है, और इसीलिए प्रशासन को भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने छात्रों के खिलाफ। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विडंबना है।